आज हमारे समक्ष आदरणीय शिवानी दीदी जी उपस्थित हैं। आप बहुत श्रेष्ठ योगी सरल चित हैं और आज हम उनसे प्रेरणा भी लेंगे और पावर ऑफ सकास टीम के लिए मोटिवेशन भी लेंगे। आदरणीय दीदी जी, ओम शांति। बाबा समय प्रति समय हम सब बच्चों को अलग 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 तरीके देता है, सेवाओं के तरीके देता है, ज्ञान मनन के, योग के, एक्सपेरिमेंट्स के तरीके बाबा देता है, जिससे हमारी स्थिति भी उन्नति को पाती है और बाबा की सेवा में हमारी स्थिति परिवर्तन लाती है। बाबा हर बार हमें कहता है स्थिति से सेवा अब होनी है। बाबा मुरलियों में बताता है कि अब वो समय क्रॉस हुआ जब वाचा सेवा करें, कर्मणा सेवा करें, वो तो कर ही रहे हैं लेकिन वो लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन बेहद सेवा करने के लिए बाबा ने शुरू से कहा है मनसा सेवा, सकाश वाइब्रेशंस। जब हम इंटरनेशनल योग भी करते हैं, यही लक्ष्य रहता था कि वाइब्रेशन सृष्टि को पहुंचे। तो हम सब भाग्यशाली आत्माएं हैं जो बाबा हमें समय प्रति समय इशारे देते हैं, और उन इशारों को अगर हम पकड़ते हैं और उसको इमिजिएटली एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, तो हमें स्व के लिए और सेवा के लिए दोनों में उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखाई देता है। तो ये जो बाबा की रूहानी आर्मी इकट्ठी हुई है, जो इकट्ठे मिलकर सिर्फ अपने ही नहीं लेकिन जिसके जीवन में विघ्न आएंगे, चाहे मन के, तन के, धन के या संबंधों के, किसी के जीवन में भी कोई प्रॉब्लम आए, ये आर्मी हमेशा रेडी होगी कि बाबा की शक्ति लेकर सारी सृष्टि के विघ्नों को समाप्त कर इस सृष्टि पर जो बाबा ने हमें बताया है कि योग और वाइब्रेशन से ही सतयुग आना है, वो सकाश से होना ही है। बाबा तो बहुत सालों से हमें ये इशारा दे रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का जैसे एक समय होता है कि जो चीज़ हम सब अलग-अलग कर रहे थे अब हम सब मिलकर करेंगे। तो बाबा हमेशा कहता है संगठन की शक्ति से मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। तो इस पर हम रोज अटेंशन रखें और सारा दिन, सिर्फ सुबह और शाम योग के समय नहीं, सारा दिन सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प, और उस अटेंशन से हमारी स्थिति बहुत ब्यूटीफुल बनती जाएगी और सेवा तो ऑटोमेटिकली होनी ही।